महीने की आरआर और सोनाली मुर्गी है और उन्हें मैं अंडे उत्पादन के लिए पाल रहा हूं और अभी मैं उनको वजन करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, मेरे पास अभी जो 2 महीने की आरआर और सोनाली मुर्गी है उन्हें मैं अंडे उत्पादन के लिए पाल रहा हूं, इसलिए मैं इन मुर्गियों को कम से कम खर्च में पाल रहा हूं। इन मुर्गियों को मैं ज़्यादा कॉमर्शियल फीड नहीं देता हूं। इन मुर्गियों को मैंने 45 नंबर दिन तक फार्म के अंदर रख कर कॉमर्शियल फीड खिलाकर पाला था और 45 नंबर दिन के बाद से मैंने इन्हें बाहर छोड़ना चालू कर दिया और इन मुर्गियों को मैं सिर्फ दिन में 2 बार ही फीड देता हूँ, सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में। और फीड के बारे में बताऊँ तो इन मुर्गियों को मैं ज़्यादा मात्रा में राइस पॉलिश देता हूँ और कम मात्रा में देसी मुर्गियों के लिए जो स्टेटर फीड आता है वो राइस पॉलिश के साथ एक साथ मिक्स करके देता हूँ। और अगर हम मुर्गियों को ज़्यादा मात्रा में राइस पॉलिश खिलाते हैं तब फीड का खर्च कम हो जाता है पर मुर्गियों का वजन ज़्यादा नहीं बढ़ता है। इन मुर्गियों को मैं अंडे उत्पादन के लिए पाल रहा हूँ, इसलिए इन मुर्गियों को मैं ज़्यादा मात्रा में राइस पॉलिश और कम मात्रा में देसी मुर्गियों के लिए जो स्टेटर फीड आता है वो मिक्स करके दे रहा हूँ। देखिए, अगर हम मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं तो अंडे पे आने तक उन्हें हमें कम से कम खर्च में पालना है और जब मुर्गियां अंडे देना चालू करेगी तब हमें उन्हें लेयर फीड खिलाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालते हैं पर उन्हें ज़्यादा दाम वाला कॉमर्शियल दाना खिलाते हैं जिसके कारण अंडे उत्पादन से उन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। इसलिए अगर आप लोग अंडे उत्पादन से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो मुर्गियों को कम से कम खर्च में तैयार कीजिए। जब वो अंडे देना चालू करेगी तभी उन्हें कॉमर्शियल फीड खिलाइए, उनके लिए जो लेयर फीड आता है वो अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड उन्हें खिलाइए। पर अगर आप लोग मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए पाल रहे हैं और उन्हें जल्दी सेल करना चाहते हैं तब आप लोग उन्हें कॉमर्शियल फीड खिला सकते हैं क्योंकि कॉमर्शियल फीड खिलाने से मुर्गियों का वजन तेज़ी से बढ़ता है। और ये जो सोनाली ब्रीड होता है इनका वजन 1 महीने में, अगर आप लोग कॉमर्शियल फीड इन्हें खिलाते हैं तो 1 महीने में इनका वजन 350 ग्राम से लेकर 450 ग्राम तक हो जाता है और 2 महीने में मतलब 60 दिन में इनका वजन 800 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक हो जाता है। पर मैं अभी इन मुर्गियों को जिस तरीके से पाल रहा हूँ 60 दिन में इन मुर्गियों का वजन 800 से लेकर 900 ग्राम होना मुश्किल है क्योंकि इन मुर्गियों को मैं कम से कम खर्च में पाल रहा हूँ, इन मुर्गियों को मैं ज़्यादा राइस पॉलिश दे रहा हूँ और कम मात्रा में कॉमर्शियल फीड दे रहा हूँ। और 4.5 महीने तक मैं इन मुर्गियों को जितना हो सके कम से कम खर्च में तैयार करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग अंडे उत्पादन में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो अंडे पे आने तक इन्हें कम से कम खर्च में तैयार करना है और जब ये अंडे देना चालू करेगी तब इन्हें अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड खिलाना है, तब ये मुर्गियाँ ज़्यादा अंडे देती है। और ये जो सोनाली मुर्गी है ये साल भर में, अगर आप लोग इन्हें अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड खिलाते हैं तब ये साल भर में 180 से लेकर 200 तक अंडे देती है और ये आरआर मुर्गी एक साल में 280 से लेकर 300 तक अंडे देती है अगर आप लोग इन्हें अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड खिलाते हैं तो। अंडे पे आने तक इन मुर्गियों के फीड का खर्च कम करने के लिए आप लोग घर का वेस्टेज खिला सकते हैं, होटल ढाबा का वेस्टेज खिला सकते हैं और उसके साथ साथ इन मुर्गियों के लिए फ्री में घर में दाना भी बना सकते हैं। देखिए साथियों, यहीं पे मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, अंडे उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गियों के सिर्फ फीड का खर्च ही कम करना है। उन्हें जो भी वैक्सीन जो भी मेडिसिन दिया जाता है उन्हें सही समय में जरूर दीजिए। अगर आप लोग उन मुर्गियों को मतलब अंडे उत्पादन के लिए पाले जाने वाले मुर्गियों को आप लोग सही समय में वैक्सीन मेडिसिन नहीं देंगे तब भी आप लोगों का नुकसान हो सकता है, इसलिए सही समय में उन्हें जो भी वैक्सीन जो भी मेडिसिन दिया जाता है उन्हें सही समय में जरूर दीजिए। आप लोग जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ किसका डिमांड ज़्यादा है आप लोग पहले अच्छे से देख लीजिए, वहाँ अंडों का डिमांड ज़्यादा है या मांस का डिमांड ज़्यादा है पहले आप लोग देख लीजिए। आप लोगों के वहाँ अगर अंडों का डिमांड ज़्यादा है पर आप लोगों ने मांस उत्पादन के लिए मुर्गियों को पाल रखा है तब भी आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप लोग मुर्गी पालन शुरुआत करने से पहले आसपास के मार्केट को अच्छे से देख लीजिए तभी आप लोग मुर्गी पालन शुरुआत कीजिए। अगर आप लोगों ने मुर्गी पालन के बारे में कहीं भी ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आप लोग पहले अवस्था में कम मुर्गियों से शुरुआत कीजिए, तब आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसके साथ साथ मार्केट के बारे में भी पता होगा और उसके बाद आप लोग चाहे तो बड़े स्तर पर मुर्गी पालन कर सकते हैं।
तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।